ऊंचा मंदिर ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। Oh,
एक लाइन बना के आना है बारी बारी से माँ के श्री चरणों का तिलक करना है आज माँ की पावन ज्योति माँ के पावन धाम ज्वल जिसे लाई गई है तो सभी भक्तजनों ने बड़ी ही श्रद्धा भावना से आना है और माँ के चरणों का तिलक अपने वस्त्र के ऊपर लगाना है फिर अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए चलना है। बोलिए सच्चे है दरबार की सभी देवी देवते आएंगे
देंगे के जय। अरे मन से पुकारो, अगर हाजरी बजरंग बली जी के चरणों में कबूल हो गई फिर माँ को जागरण जरूर लेके आएंगे। बोले आधे लोग गा रहे हैं आधे नहीं गा रहे हैं, और याद रखो जो लगाएंगे ताली उनके चेहरे पे आएगी लाली, जो ना लाएगा ताली उसकी झोली रह जाएगी खाली। बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की के जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। एक अंतिम हाजरी और उसके बाद अगले कलाकार को मां चरण बुलाएंगे। सीनिया साबना सारे भगत जना, सीनिया
ही बजाया गया। आगे जगराते पर दोनों हाथ जोड़ कर के बाकी जो गाई बजाया गया। मेरी हाजिर अच्छी लगती है, जोरदार तालियां। ऐसे ही I'm gonna make it।
हो लाल कबूल करमा दिलो
चले आ छड़ के चलाए
बाबा बड़हारी जी के दरबार में माथा टेक। बोली सच्ची दरबार की सोने आने उस ग्राएं से चलना बोलिया कि तू भोले नाथ बैठे हो। मैं भोले नाथ का नाम सुने तू तो सारे बैठे हो इन्हें सच्चे दरबार की जगराता लगे जगराते जोगी मस्ती मस्ती मतलब महामाए के दरबार बीच पूरे मस्त हो जाना क्योंकि जेड़े मस्त हो जाते सर लाई आते सब कुछ कर जेड़े सुस्त होते ने माता बरी लगती माता बोलती जेड़े भगत जी उन्हें चेहरे हंसते खेलते पिछे वाले ये ना सोच लो कि यहां बजा बैठे हो कोई पता लगता गाने गलू बजा अगर बजाने गलू गा ये माता रानी सब जानता मैं कह भाई कल होना नंबर संगत चली ना जा पर तुम तो बैठे हो गया कि नहीं तुम सारे सच्चे दरबार बात कल न होगी ऐसी मुलाकात कल न होगी आज की रात कल न होगी ऐसी मुलाकात कल न होगी वो बादल तो कल भी आएंगे वो बादल तो कल भी आएंगे ऐसी बरसात कल ना होगी जड़ी बरसात आज लगी इन्हें तुझे कल नहीं होनी है इन्हें बहना तुम कल ले तू ना कल बड़े बड़े घर च होने कुड़ी जाना और भगवान भी सुनते होने और घमंड था जिन पत्थरों को वो कंकर हो गए घमंड था जिन पत्थरों को वो कंकर हो गए और जो एक जगह ठहरे रहे वो शंकर हो गए वो शंकर हो गए जैसे मंदिर में बैठे हैं पत्थर को पूछते हैं ना वो शंकर है इसलिए घमंड मत करना ना तो कंकर हो जाओगे अगर एक जगह ठहरे रहेगा तो शंकर हो जाओगे इतना दिया मुझे शेरावाली ने इतना दिया मुझे शेरावाली ने वो जितनी मेरी औकात ना इतना दिया वो मुझे देने वाली ने जितनी मेरी औकात न ओ ये जो कर्म है मेरी शेरावाली माता का ओ वरना ससी में तो कोई बात ओ सोनी सोनी जोत में जगाई शेरावाली हाथ और सभी का होना चाहिए और मेरी मिट्टी डाली के मां को बोलेंगे सोनी सोनी जोत में जगाई से जगाई से रवानी है, जगाई से रवानी है,
खुशी और माता रानी कभी खुशी करने नहीं बनती बैठी हुई पर तो ध्यान नहीं है कि है बूढ़े तुम्हें तो मुन्नी नजर आ दी अपनी तो सारे का मुन्नी नजर आती है मुन्नी है पर माता वैष्णो बैठी हो तेन देने जाके थी ओए गिरी पर सुखू ना
ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੰਨਾ ਸੁਖਰਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਐ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਬਣੀਏ ਸੱਜੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੰਦਰ ਰਹਿ ਜੋ ਜਗ ਸਾਰਾ
संजीव कुमार मन मन अंधे भर बोला सब भर मोरिया तेरी सो सब भर मोरिया I got a home in
मैडम जो सारे दे पचाह बढ़ा दी एक दिन मैं मैडम से पूछा मतलब मैडम जी पढ़ने बड़ा लायक है शशि पालम पर ये सारे दे पचाह गए बैठा दे तो हाँ बोले शशि जी तो हमें मुस्कुंदी ओल बोले शशि जी तुहाने मुस्कुंदी मैं पूछे मैडम ते बोले मैडम जी मुझे गलत सा बे तुहा शशि को पढ़ाना होंदे कि सींगना होंदे मुझे पढ़ाना होंदे कि सींगना सच्चे दरबार की बोलिया हसदियां दे गल बसदे हसना हसना सेती ताईं खड़ा होंदा रामदेव भी बोलदा मैं हसा हसने ताईं खड़ा होंदा 101 रुपए दी हाजरी और आइए हाजरी की दा मेला लगिया जी चुन्नी मुझे चढ़ाई दी इतने भी चढ़ाई सच्चे दरबार की।
जाएंगे। पीछे वाले भी सुनील कुमार दिवांशु लाड़िया का नाम याद है सकर्मा देवी कुछ ने बहन जी इतनी नचा दे। अच्छा अच्छा ठीक है तो अलग अलग नचा दे सकर्मा देवी इन्होंने सुनील गनवाना जी और मनु इन्होंने यह बड़ा सम्मान है मनु और 120 रुपए की हाजरी यह कबूल करनी वो गल पा के मैया दियां चुन्नियां की अज मैनू कोई टोको ना बोली कोई रोको ना कोई टोको ना कोई रोको ना कोई टोको ना भरने ओ लोग बोले अल्लाह जाना नहीं है कुड़ी ये बात नहीं जानते वो काफर ने ओ लोग काफर ने ओ लोग जेड़े मां नु नहीं मनदे काफर ने ओ लोग जेड़े मां नु मन नच लैंदे काफर ने हस लैंदे कि अज मैनू नच लैंदे ए भाई हले कलक ने फिल्म बना दे मेरी के सारे ने बना दे और इतनी अच्छी फिल्म बना दे हैप्पी जामरा इसी पिंड में भाई जी बहुत बहुत मेहरबानी तो सस्सी कैचअप करा दे उन्हें देखा फिल्म बनाई में घर का बड़ी आंदी कैमरे है हूं जी ये बना दे और कैमरे की अख बिच अख पौन वाले सूरतां नूं मूरतां बनाउण वालिया पता नहीं डेरे मडेरे कदे कदे मूंह वाले फोटो लैंदे अजकल सैल्फियां लै दे मैं तो हैरान आ वेखी ऐसे ऐसे मूंह करदे ना अजकल सैल्फियां लै कोई नहीं कोई नहीं डेरे हो जाते पहले सीधे लैंदे हे फोटो अजे खड़ोई मैं इंगे चकोए होंदे हे मूंह पौंदे ना पुराने फोटो आया फोटो ए दिखा बोलिया ओ कैमरे दी अख विच अख पौण वालिया ए भाई दाई है हैप्पी भाई दाई वो सूरतां नूं मूरतां बनाउण वालिया वो कैमरे नूं रखी जरा कैमरे नूं रखी जरा टिच मुंडे आहो मेरी नच टिच मुंडे आहो मेरी नच टिच मुंडे आहो मेरी नच दीदी बहुत टिच मुंडे आहो मेरी नच दीदी बहुत टिच मुंडे आहो मेरी नच दीदी बहुत कैमरे दी अख विच अख पौण वालिया जरा कैमरा सबकी तरफ घुमाना कई हाल पकौड़े जो ताली नहीं बजाए सभी ताली बजाएंगे हाथ बुलाएंगे और हैप्पी भाई सबको कैच कर रहे हैं साझे दरबार की सच्चे दरबार की और दरबार की नहीं हो मेरी मैं जे मैं पागल नहीं होता तो हो नहीं होना कलाकार च पागलबंदी बहुत जरूरी है क्योंकि हंसने खेलने वाला कूदने वाला चाहिए गाई कलाकार मस्ती वाला चाहिए तुम्हें भी मस्ती चाहिए
महामाई का दरबार है, तू सुस्ती नहीं चाहिए, है तू मस्ती चाहिए। और एक ही मुनुआ दो ये रिश्ता सुनाओ मैं सुना ये रिश्ता, कहना माफ करा अगर कोई बेचारा थक्का उतला बोलता हूँ तो माफ करने गल ही हसे आई कुछ ऐसी मैं माफी पहला मंगी लादा ताई तक। एक ही मुनुआ दो ये रिश्ता सै थोड़ा बेचारा थथला दिया बोलता है थथलाई की बोलता है चली गया गां बिटिया दिखना गया था सभी थी सभी उतलाई की बोलती ही। अच्छा बिटी आई चाय लई मैं ए ब्रेक बुरी लई तो हाँ चाय आ रही बिटी आई चाय लई मैं करे मुंडुओ चढ़िया गुस्सा चाह दी पकौड़े दिते लड्डू दिते सब कुछ दिता पर अगली मुंह ते नहीं बोली कितना गुस्सा आया कर तीन पता के गले ओए तू दौलती तो नहीं कितना नहीं दौलना इंजन मुंडू लगा गलाना तीन पता क्या बोलिया बोलिया मिंजो थल मोदी तिन्नी दिखो तेरा बोला ओए बेबी थत्ती मैं भी थत्था वीडियो दिखना क्या था पता क्या बोलता सर बोले ओ मैं ये थल मकर दी तू भी थत्थी मैं भी थत्था तो बहन भाव तो है गया रिश्ते करना कह बहन ही बनाई है जाए ने सचार की और हैप्पी वाई इस पिंड दे पंच साहब शशि पालमपुरिया दा तुहानू बहुत बहुत नमस्कार है और यूट्यूब पर गाने सुनी लैने शशि पालमपुरिया दा नाम याद होई आंदिया तेरे ओ मुकणे नहीं ओ मुकणे नहीं गाने ओ बंदा मुकदा हुक्म बंदिया तेरे हाय हाय ओ बंदा ओ ससी मुके हुक्म बंदिया तेरे Thank you.
इना मंदिर दा कोई पुजारी नहीं हो पूजा पाठ नहीं हो मंदिर दरबार की सच्चे दरबार की तो शशि बाल उमरिया को जा जाए और बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी कौम जो इतनी देर झेल लिया जरूर इनके चैनल पर आप जरूर सर्च करें और जरूर इनके चैनल पर आप जाएं निखिल स्टूडियो ददौन वाले हमारे भाई जी और ये पूरा वीडियो देख सकते हो कुणी ताली बजाई है कुणी ने माई मारी है कुणी ने बैल लिया है कुणी है कितने कुणी चप्पलियां चोरियां सब कुछ जीत लिया है ना ये सारा का जब कर लिया है ना जरूर इनके चैनल पर जाएं भाइयों के लिए भी ताली बजाइए इन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया क्योंकि और साउंड हमारे भाइयों ने साउंड भी बहुत बेहतरीन बनाई है इनके नाम पे ताली बजाइए और सारे हमारे भाइयों के नाम पे ताली और कमेटी वाले भाइयों के नाम पे भी ताली हमारे अश्विनी ठाकुर जी के नाम पे भी ताली हैप्पी भाई जी के नाम पे भी ताली और परम आठ शक्ति ग्रुप इनके नाम पे भी ताली क्योंकि इनकी वजह से आज मैं आपसे रूबरू हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी आप सभी को चाय पकौड़े समोसे जो भी खिलाना खिलाओ और इसके बाद पार्वती शिव और माँ पार्वती की झांकी आपके रूबरू गौरी भी बहुत बेहतरीन आपको देखने को दृश्य मिल रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी साचे दरबार की जय कारा श्री रामणी दा साचे दरबार की जय कारा जवाना रानी दा जय कारा तो हाँ सारे आंदा ओ अपनी जय भी करा करा हाँ कुसी दे घाट ना कोई कोई कुसी दे घाट नहीं है जय माता रानी बोल दी तू अपनी जय करा मैं तो सोची है अपने नाय दी ताली बजा अपने नाय दी ताली बजा जय सच्चे दरबार की जय बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया
और ताने मुझे सुनने पर
करते हैं। हे भोलेनाथ सुनो मेरी बात, सुन भोले सुन शंकर, सुन भोले सुन शंकर, सुन पाद खोल कर कान तेरी, मांग से हूँ परेशान मैं तेरी, मांग से हूँ परेशान तेरी, मांग से हूँ परेशान। सुन सारा पहचान गया है, साहिल भेद ये जान गया है, भोले भांगे का भेद बताना, कुछ रही पूनम मस्ताना, जग सारा पहचान गया है, साहिल भेद ये जान गया है, सुन भोले सुन शंकर, सुन भोले सुन शंकर, ये मांग राम का नाम तेरी, मांग राम का नाम, इस बांध में मेरी जान, इस बांध में मेरी जान। कौन सा श्रावण का बड़ा मस्त महीना है, तो हरी हरी भांग घोट के लिया मेरे खातर। बात ऐसी है भोलेनाथ, कैसी ये तेरी भांग घोटनी ने मेरे बस की नहीं है। जब तेरा मेरा ब्याह हुआ तो इस बात की खोल होगी, ठीक भाई। शंकर भगवान को ना तो दान दहेज चाहिए, ना जिम्मे खाना पीना, एक चीज की शर्त है और वह शर्त यह है कि भांग घोटनी पड़ेगी। तेरी भांग घोट घोट के मेरे हाथों में देख छाले पड़ गए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत पूरा महीना पड़ा है सावन का। पहली बात तो यह है कि मैंने नहीं पता था कि भोलेनाथ इतनी भांग पीते हैं। अच्छा, मुझे पता होता ना मैं शादी नहीं करवाती। देख तेरे लिए सब कहेंगे ठाट कर रखे हैं। अच्छा, सारे ऐश कर रखे हैं तेरे खतर, बस काम एक ही है कि तने भांग घोटनी है, उसमें भी तू नाकरमोड़े से कर रही है। ये नाकरमोड़े? हाँ, मैं तो नू खुश हुई थी कि भोले नाथ से शादी करूंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी, अभी नू कर दे ठाट कर रखे हैं। कौन से ठाट कर रखे? ठाट तो एक बात बता, आज तक मैंने तेरे पर कपड़े धुआए हैं? लोग कह रहे जी कपड़े धुआए हैं, कपड़े पहन रहे हो?
जो कपड़े धोऊंगी इसके। फिर कने कदे घर में पोछा भारी करवाया है? तेरा घर है रहने, जो घर में पोछा करूंगी मैं। कदे बर्तन मंजवाए तेर कने? कदी खाना खा के देखा किसा हुआ है? एक कुंडी सोडा लगा के गिर रखा मैं उसी में लगाए रखा है। तो वो एक काम है तो फिर करती रहे, नाटक क्यों है? नहीं मेरे बस की नहीं है। ये कड़े ते लिखाई ये सारी के साथ सारी मेरे बाप ने दी थी। तेरे बाप ने? हाँ। सारी की सारी? सारी की सारी, मतलब सारी अपनी पियर ते लाई है? सारी पियर ते लाई। मेरी दियोड़ी एक भी चीज को? एक भी चीज नहीं है। याद कर ले कोई एक आधी चीज मेरी भी होगी? सारी याद है, एक भी ना दी तने। बाद में कदे पीछे पछतावा हो एक आधी चीज मेरी भी निकला होगी? लेकर आया कुछ वो गेर के दिन बड़े बड़े सांप गले में आ गया। जो सूट पहन रही है कड़े तले काई? अपने पीर ते। आगे नमो कर के बता। पीर ते ले हूं। ये बराती है मेरे सारे जितने भी हैं। तो मैं के झूठ बोलूं सारा अपना पीर ते ले हूं। एक तो इन माते बिचोला भी बैठा है। इन ते बता तो सारी चीज पीर ते ले है? सारी पीर ते। सूट पहन रही है कितने लाई? पीर ते। या चुन्नी? पीर ते। गले में चैन? पीर ते। हाथ की अंगूठी? पीर ते। ये पजेब? पीर ते। देख ले भी याद कर ले? नहीं सारी याद है, मेरा दिमाग है ना सही काम कर रहे। तो फिर जल्दी जल्दी बता थोड़ी। पूछ। सूट कितने ले? पियर ते। चैन? पियर ते। चुन्नी? पियर ते। कान के? पियर ते। नाक के? पियर ते। पजेब? पियर ते। अरे गणेश? पियर ते। कौन सा रुक गणेश? पियर ते ना लाई हूँ मैं, पहले कहता ना एक आधी चीज मेरी भी मिल जाएगी। तो यह चीज तो यहीं से ली है मैंने। अच्छा धड़ से कटेगा कहाँ पे बचेगा? कहाँ पे बचेगा?
पंख में भभूत लगा ली है, दिखे मन दुनिया निराली है, हो मन की प्यास बुझाली है। पंख में भभूत लगा ली है, दिखे मन दुनिया निराली है, हो मन की प्यास बुझाली है। तेरे नाम की ओट लगे ना चोट भांगली घोट रती गए लोट, ओ भोले तेरी फौज, ओ भोले तेरी फौज। न चाहिए लाख करोड़ मने, तेरी तेरे नाम की मरोड़ मने, ओ भोला नाचे मन ब्रह्म साथ में, ओ भोला नाचे मन ब्रह्म साथ में।
भी जोड़ते हैं अपने अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। तिलक है रघुनंदन का राज, तिलक है राज सिंहासन राम राज, रघुनंदन का राज तिलक है राज सिंहासन राम का। चंबे दे चुगाना धोलुए दा डेरा सुंदर भेस बनाया भोले बाबा हर हर तो आइए भोले बाबा जी के चरणों में। चुगाना धोलुए दा डेरा वो सुंदर भेस बनाया हो सिर्फ कीबोर्ड पे सुनाऊंगा भी ये, बाकी आप यूट्यूब पर सुन लेना क्योंकि टाइम की गुंजाइश के अनुसार कीबोर्ड पे सिर्फ। और मेरे साथ साथ माता बहनें भी गाएंगी पहाड़ी लोक पहाड़ी गल्ला पहाड़ी भजन पहाड़ी हाजरियां भोले बाबा जी के चरणों में हाजरी है ये शिव शंकर महाराज। वो चंपे दे चौगाना धुड़ुए दा डेरा वो सुंदर भेस बनाया कपड़े फटे हो माला पाइया मिंजो ते बड़िया बड़िया जटा दिना दिया नहाना नहीं धोना नहीं। और गोरा माता जो किया पसंद आई है भोले बाबा, लेकिन शिव शंकर और माँ पार्वती से सुंदर कोई नहीं। पूरी दुनिया पूरा स्वर्गपुरी पूरा ब्रह्मांड भोले बाबा और माता पार्वती से खूबसूरत कोई नहीं है। हम तो कठपुतलियां हैं जो उनके इशारों पे नाचते हैं, वो जो चाहते हैं वही होता है। तो मेरी माता बहने मेरे साथ गाएंगी और कैसे गाएंगी, वो धूड़ ता मेरा धूड़ धड़ैला गोरा ता राज दी बेटी हूं। Yeah.
भांग धतूरा और बिल पतरी कोई दसा है नहीं ये तो बाना है मेरा बिंदरा बने दिया गुजरिया काना मेरे दिया लाडलिया ये भी एक महीना हुआ और प्यार दे रहे हो आप 1.5 लाख व्यूज हो गए और धुरू वाले गाने का मिलियन से ऊपर चला गया ये सो और भी गाने अच्छे अच्छे लाखों में है सब और पहुंचाने वाले आप सबका आशीर्वाद और सबसे बड़ा आशीर्वाद इसका और मेरे भोले बाबा का। मेरे घर के पास एक मंदिर है छोटा सा मंदिर है भोले बाबा का। जब मेरे भोले बाबा का गाना रिलीज हुआ तो मैंने बोला बाबा ये गाना मुझे मिलियन पर चाहिए, ये गाना मुझे मिलियन पर चाहिए और आप पहुंचाने वाले हो। मैंने छोटे से मंदिर के सामने मूर्ति बनाई है एक बंदे ने, ऐसे जैसे बच्चे बना लेते हैं आजकल खिलौने वैसे उसने भी बना दिया, लेकिन उस मंदिर में शक्ति बड़ी है। कैसे पता लगा? मेरा गाना मिलियन से ऊपर चला गया, वो भी एक साल के अंदर मिलियन के ऊपर। तो बताओ उस मूर्ति में शक्ति है कि नहीं है? मैंने वहां पे पहली रील बनाई अपनी सुबह सुबह, मैं कह बाबा दिन में मेरा पता नहीं 700 व्यूज गया कि कितना गया, आज वो ही गाना दिन में 4,000 लोग देखते हैं, कहां 700 और कहां 4,000। पर जब भोले बाबा की कृपा हो जाए, वो जो ना जटाओं वाले शंकर, उनका नाम भोला यूं नहीं पड़ा, बहुत भोले हैं वो, लोग तो एक व्रत कर देकर अपना काम करवाई देंगे। मंदिरों के दरवाजे छोटे होंगे, कोई भी मंदिर है चाहे ज्वाला जी जा, चाहे कांगड़े वाली माता के मंदिर जा, चाहे वैष्णो देवी जा, छोटे छोटे दरवाजे रखे मंदिरों के, कई रखे हो कि बंदा किसी के आगे नहीं झुकता, कम से कम यहाँ तो झुके आगे मंदिर के आगे तो झुके, जे इंजे जांदा भी खड़ा होके तो आपू भजना मुंडे इंजे जांदा फिर मंदिर नहीं। ओ बड़ा बयंत है उसकी माया जो है ना, मेरे पास कैसे आना तुझे, झुक के आना पड़ेगा तुझे। और वो पिंदरा बने दिया गुजरिया वो काना मेरे दिया लाडलिया वो छैल छबीला वो छलिया वो काना वो छलिया वो काना वो बढ़िया प्यारिया गुजरिया वो पिंदरा बने दिया गुजरिया वो काना मेरे दिया लाडलिया।
छुपा जन्मिया ताना वो मेरा तू तुझे आईया गुजरिया छुपा जन्मिया ताना वो मेरा तू तुझे आईया गुजरिया छुपा जन्मिया ताना वो मेरा तू तुझे आईया गुजरिया छुपा जन्मिया ताना वो मेरा तू तुझे आईया जो बोलने में इतना शीतल माँ, जो अपनी माँ से प्यार करते हैं वो मीठी मीठी ताली साथ साथ गाएंगे। और माँ तो माँ है, माँ का फर्ज माँ का कर्ज हम कभी अदा नहीं कर सकते, क्योंकि बनाने वाले ने माँ बनाई, जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने माँ बनाई। जो अपनी माँ से प्यार करते हैं, कभी कभी मैं भी भावुक हो जाता हूँ गाता गाता। क्यों? माँ भी कभी लड़की हुआ करती थी, आज बूढ़ी होगी तो क्या हुआ, आपके साथ में बैठी होगी आपकी माँ भी, या घर में होगी, बूढ़ी हो गई, मुंह में दांत नहीं, चला नहीं जाता। अरे माँ तो माँ है, वो भी कभी लड़की हुआ करती थी, कभी वो अच्छी अच्छी चूड़ियां डाले तो बोलना मम्मी बड़ी छैल लगा दी, छैल दे सूट पाई लै तो बोलना मम्मी सूट बड़ा छैल लगा दा, तिसे बड़ा अच्छा लगना, मम्मी जबरी होई है बुढ़ी होई है ताकि होया तुहां तारीफ करा तिसा दी ते मैं बढ़िया खुश होना, क्योंकि सभी कदी कुड़ी होंदी थी। माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ,
तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है।
अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। कर है आपने देखा मां ज्वाला राजा अकबर मां को वर्ष मां को परछने आया लेकिन मां से लड़ाई करने युद्ध करने आया लेकिन मां ने अपना बेटा समझा अकबर मुसलमान। मां के दरबार में तो सब बराबर हैं अगर कटड़ा मुसलमान ना होते तो घोड़े की चढ़ाई पे हम हिंदू ना पहुंच पाते। आपने देखा जितने भी मुसलमान हैं वो कटड़ा की चढ़ाई पे हमें घोड़ों पे बिठा के लेके जाते हैं लेकिन मां के लिए सब बराबर है, कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं। मां ज्वाला ने राजा अकबर को जब युद्ध करने आया तो मां को ललकारा लेकिन मां ने माँ जीत गई उसका घमंड टूट गया तो मां को मनाने आया सोने का छतर लेके। अच्छा मुझे एक बात बताइए किस किसने वो छतर देखा है ज्वाला मां के मंदिर में, किस किसने देखा है वो छतर? सबने देखा है लेकिन मां ने छतर तो ले लिया बेटा था और मां के लिए बेटा बैठे से कभी मां रूठती नहीं है। छतर ले लिया पर आज तक उस छतर का पता नहीं है कि कौन सी धातु है, वो सोना है चांदी है हीरा है मोती है पीतल है क्या है, कोई नहीं पहचान पाया। बड़े बड़े अंग्रेज भी आए बहुत बड़े बड़े देशों से लोग आए लेकिन मां ने ऐसा बना दिया कबूल तो किया पर पहचानने में नहीं आया। इसलिए और इतना सुंदर रूप मेरी माँ किस किस को प्यारी लग रही है हाथ पर डाल रहा बड़ा सुंदर रूप बनाया माँ ने। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज कि मैं ककड़ा धाम में बैठा हूँ और वैष्णो माता मेरे सामने बैठी है और भगतजन माथा टेक रहे हैं और मैं भेटे गा रहा हूँ और बारे जामा यही रूप है माँ वैष्णो देवी का यही रूप है और बड़ी सुंदर है। जिसकी भी बेटी है ये मत सोचना कि आपकी बेटी है, इस टाइम मेरी माँ वैष्णो बैठी है यहाँ पे। देखो आप ही नजरों से नजर मिला के आपको माँ नजर आएगी। गुलामी
खो गया इन पहाड़ों में, मेरा मन खो गया इन पहाड़ों में, के कवाली सुर दीवाले सारी बाबा आया है तेरे दर पे सवाली दीवाले सारी बाबा आया है तेरे दर पे लब पे दुआए आंखों में आंसू दिल में उम्मीदें पर झोली खाली सिर दीवाले दर पे सवाली आया है दर पे सवाली ओ बाबा फिर दीवा सवाली देवा तेरे जब नाम लेवा मेरे साईं देवा तेरे जब नाम लेवा कर याद सबकी तुझे है याद सबकी करो ना कोई छोटा रहमत का हिसाब हम सब करे क्या दो दिन की दुनिया दुनिया है गुलशन सब फूल कांटे तो सब का मालिक सिर दीवाले सही आया है लगते दुआए आंखों में आंसू दिल में उम्मीद में हर झोली खाली शेरडी आया है तेरे दर सवारी आया है तेरे सवारी आया है तेरे Yeah.
मन मोर बिरज में नाच रहे ओ जमुना की
को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है से शर्म ने दुलाए
बता दे।